मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिस्किट की एकदम यूनिक रेसिपी, जो कि बहुत ही एकदम खास रेसिपी है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने कभी इसको ट्राई किया होगा या तो देखा होगा। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए। तो चलिए बनाना इसका शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे है बनाना इसको। तो देखिए, हमने ले लिया है पार्ले बिस्किट, ये 2 पैकेट हमने बिस्किट लिया है जो 10-10 रुपए का आता है, उसको ले लिया है दोस्तों। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 2 पैकेट ले लिया है पार्ले बिस्किट, तो इसको हमने निकाल लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने रख दिया था घी गर्म होने के लिए गैस पे पहले से ही, ये शुद्ध देसी घी है दोस्तों। तो हम मिठाई वगैरह में घी का इस्तेमाल करते हैं, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे माने तो घी का इस्तेमाल करें, इससे मिठाई उठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, हमने घी में डाल दिया है बिस्किट को, तो बिस्किट को हमें क्या करना है, फ्राई करना है आज। ये बहुत यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो देखिए, हम बिस्किट को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देखिए देखिए कलर कितना अच्छा ब्राउन हो गया है, तो हम बिस्किट को निकाल लेंगे, बहुत जल्दी ये जल जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें। देखिए, हमने सारे बिस्किट को इसी तरीके से फ्राई करके निकालना है घी में, आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने इसी तरीके से बिस्किट को निकाल लेंगे और हम और भी बिस्किट को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हम दोबारा भी डाल देते हैं और बिस्किट को, इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं बिस्किट को। ये पार्ले बिस्किट की बिल्कुल यूनिक रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी आता है, बस जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से देखिए, हमने सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं आप, हमने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। तो देखिए, फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा दोस्तों। ये ठंडे हो जाएंगे तो बढ़िया क्रंची और क्रिस्पी बिस्किट हो जाएंगे। तो चलिए, इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए, तब से हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो फिर से हम चलेंगे दोस्तों गैस की तरफ, इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो हमने उसी कढ़ाई को फिर से ले लिया है दोस्तों, इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी से भी कम हमने लिया चीनी, क्योंकि बिस्किट बहुत मीठा होता है दोस्तों, इसलिए चीनी की मात्रा हम थोड़ा कम ही रखेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से रखें। और उसी 1 कटोरी डाल देंगे पानी, और चीनी को हम बढ़िया से घुलाएंगे। हमें कोई तार और वाली चाशनी नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाशनी की जरूरत नहीं है, बस हमें चीनी को बढ़िया से मेल्ट करना है और पानी को बढ़िया से पका लेना है थोड़ी देर के लिए, बस हमें तार और की चाशनी नहीं चाहिए इसमें। यह रेसिपी बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, पानी में आ गया है उबाल बढ़िया से, इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर, हमने इलायची को कूट के डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हम और फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसमें 2 से 3 केसर के धागे, इसे बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत बढ़िया आती है दोस्तों, इसलिए हमने डाल दिया है। ये आपकी इच्छा है, डाले तो ना डाले तब भी अच्छी बनेगी आपकी रेसिपी। तो देखिए, कलर भी बढ़िया आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से हम और इसको उबाल लेंगे बढ़िया से, ताकि पानी हमारा बढ़िया से उबल जाए और जितना केसर का स्वाद है ना उसमें पानी में चला जाए बढ़िया से। तो देखिए, इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आज का पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बिस्किट की रेसिपी। तो देखिए, कितना बढ़िया से पानी हमारा पक गया है, आप देख सकते हैं कलर भी कितना बढ़िया से आ गया है, और इलायची की वजह से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो देखिए, हमको बस इतना ही पकाना है दोस्तों। हमारी पानी और चीनी बढ़िया से घुल गई है और पक गया है दोनों चीज़ें। देखिए, इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनी, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा भी तार इसमें नहीं बना हुआ है। तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में, तब तक करेंगे हम आगे की तैयारी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बिस्किट हमारा हो गया होगा ठंडा। तो ये देखिए दोस्तों, बिस्किट बढ़िया ठंडे हो गए हैं, आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितना क्रंची हो गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो गया है बिस्किट हमारा, तो हमें इसी तरीके से चाहिए था। ये देखिए, तोड़ने से ही पता चल रहा है। तो चलिए ले लेते हैं एक मिक्सर जार, उसके अंदर डाल देंगे बिस्किट को। तो सारे बिस्किट को डाल के हमें इसका पाउडर बढ़िया से बना लेना है दोस्तों। तो देखिए, हमने बिस्किट को चाहे तो आप तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, इस तरीके से डालेंगे तब भी बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, इसका एक पाउडर बना लेते हैं। फाइन पाउडर बनाना है दोस्तों हमको बढ़िया से। तो चलिए, हमने इसका फाइन पाउडर देखिए बना लिया है, कितना बढ़िया देखिए इसका पाउडर बना है, आप देख सकते हैं कलर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है बिस्किट का, और घी में फ्राई हुआ है इसलिए खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए, एकदम से फाइन पाउडर बना हुआ है। तो चलिए, इसको निकालते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए, हमने ले लिया है प्लेट, उसके अंदर हम निकाल लेंगे बिस्किट को। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों,
मुझे पता है मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वीडियो की, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है सारे पाउडर को बिस्किट का, तो अच्छे से मिला लेते हैं। चलिए थोड़ा बहुत ये गाढ़ हो तो वो भी अच्छे से मिल जाए। और इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने डाल दिया है इसमें मिल्क पाउडर दोस्तों, आधा कटोरी में मिल्क पाउडर डाला है। ये बिल्कुल मावा का टेक्सचर देगा दोस्तों, एकदम मावा का स्वाद देगा इसमें, क्योंकि आज हम बिना दूध के इस मिठाई को बना रहे हैं दोस्तों। बिना दूध के तो मिठाई आपको पता ही है कैसे लगेगी, तो इसलिए हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस मिठाई में। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बहुत टेस्टी आता है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही अलग सा स्वाद आता है इसमें। तो देखिए इसको हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है ताकि अच्छे से मिल्क पाउडर और बिस्किट बढ़िया से मिल जाए। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं पाउडर में। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। तो हमने देखिए गैस में जो हमने घुला के रखा था चीनी को, अब हम गैस को करेंगे ऑन फिर से, और इसमें हम डाल देंगे बिस्किट का पाउडर जो हमने बना के रखा था, इसके अंदर सारा डाल देंगे। ये देखिए अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस समय आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, या आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध की, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मिल्क पाउडर डाला है दोस्तों, और बढ़िया से इसको मिला लेंगे और इसको इसी तरीके से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए बढ़िया से। तब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, चलाते ही रहना है बढ़िया से, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अच्छे से इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, देखिए कितना बढ़िया से गाढ़ा होने लगा है। इसी तरीके से 5 मिनट के लिए हमें और पकाना है दोस्तों, तो बढ़िया से ये पक जाएगा। जब तक ये पूरा पैन छोड़ने ना लगे तब तक इसको हमें इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। ये देखिए ड्राई हो रहा है कितना बढ़िया से, कलर तो बहुत ही बढ़िया है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आता है, और टेस्ट तो पूछिए मत कितना अच्छा आता है। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है दोस्तों, जो हमने घी का इस्तेमाल पहले किया है दोस्तों, अब हमें देखिए घी का इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत है। अक्सर मिठाई बनाने में घी का इस्तेमाल होता ही है, बिना घी के मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमने पहले ही बिस्किट को फ्राई कर दिया था घी में, तो हमने लास्ट में घी नहीं डाला है। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया से देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है घी के वजह से, तो बढ़िया सा बन गया है। गैस को हम बंद कर देंगे दोस्तों, और इसको निकालेंगे प्लेट में, या जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं उसमें आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने ले लिया है प्लेट इस तरीके से, और इसी में हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। तो चाहे आप पहले घी डालें या बाद में डालें, टेस्ट वही आने वाला है दोस्तों, इसलिए हमने बिस्किट को पहले ही फ्राई कर दिया था, इससे हमें बाद में घी की आवश्यकता नहीं पड़ी है डालने की। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसको हम सेट कर लेंगे बढ़िया से थाली में। ये देखिए इसी तरीके से आप जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे दोस्तों इसमें, और इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से एक घंटे तक आप छोड़ सकते हो, या तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, तो जल्दी से सेट हो जाएगा। अगर फ्रिज में रख दिया तो आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए इसको हम आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से, और बढ़िया से सेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आधा घंटा से एक घंटा हो चुका है मुझे लगभग इसे रखे हुए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार होती है दोस्तों इसकी, और बहुत ही अच्छी आती है, मुँह में जाते ही घुल जाएगी ये बेयर बर्फी। आप चाहे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा वैसे आप इसको सजा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको आप काट के दिखाती हूँ, कितना बढ़िया से देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बिस्किट की बर्फी है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी आती है। तो चलिए प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं बर्फी को। तो ये देखिए हम इसी तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा काजू को लगा देंगे, जिससे हमारी बर्फी और बढ़िया सुंदर लगेगी देखने में। तो देखिए इसी तरीके से हमने काजू को भी लगा दिया है सारी बर्फी के ऊपर। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है बर्फी दोस्तों हमारी, बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों। आप किसी को भी खिलाएंगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि आपने इसको पार्ले बिस्किट से बना के तैयार किया। देखिए तोड़ के भी दिखाती है उसका टेक्सचर, कितनी सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार हुई है। देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप मार्केट से लेके आते हैं मिठाई बहुत ही तरह की, एक बार बिस्किट की बर्फी को बना के देखिए, बहुत ही अलग बर्फी है ये, बहुत टेस्टी आती है, एकदम यूनिक रेसिपी है दोस्तों। इसका स्वाद आप एक बार खा लेंगे ना भूल नहीं पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की।